नमस्कार, मनिक जागलान के साथ एक बार फिर स्वागत है। फिलहाल गुराना गांव के अंदर मौजूद हूं और एक बहुत बड़ी घटना जो आज गुराना के अंदर हुई है। आज सुबह जब कुछ महिलाएं, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं बिटोड़े, जब अपने बिटोड़ों के अंदर पहुंचती है, देखो उस साइड की तस्वीरें मैं आपने दिखाऊंगा, एक बार दिखा दे भाई। इस साइड की तस्वीरें आप फिलहाल जो है डाटा की तरफ से जो पहला बस स्टैंड आता है उस साइड की लोकेशन में आपने दिखा लग रहा हूँ। बिटोड़े के अंदर जब सुबह सुबह महिलाएं अपना काम करने के लिए, अपना गोबर गटने के लिए जब इस साइड आती है, तो वहाँ वो देखती है कि एक संदिग्ध हालात में जो है एक 30 से 35 साल की उम्र का व्यक्ति संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ उनको मिलता है वहाँ पर उनके बिटोड़ों के अंदर। उसके बाद जो है उसकी सूचना सरपंच को दी जाती है। सरपंच के द्वारा बाद सरपंच ने उसकी जो है स्नागत करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं जुटा पाई कि वही कौन है, कहां से है, किस तरह से है। उसके बाद पुलिस प्रशासन जो यहां मौके पर पहुंचता है, पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी कार्रवाई करी गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पुलिस प्रशासन जो मौके पर पहुंचा है, आसपास के जितने भी कैमरे थे वो खंगालने का काम किया है, लेकिन फिलहाल तक जो उसकी शनाख्त यानी उसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वह आखिर है कौन वो व्यक्ति जो यहाँ मिला है। हालात मौके की अगर बताई जाए तो हालात ऐसे थे कि शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल पूरा का पूरा शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था, और जो है मारपीट के निशान भी उसके ऊपर थे। संदिग्ध हालात में जो है यहाँ पर उनकी बॉडी मिली है। उसके बाद पुलिस ने उसको जमा उठाया यहाँ से, फिलहाल जो है खेड़ी चोपटा पुलिस थाने से जो पुलिस आई थी उसने यहाँ से उठाया। हांसी की पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंची थी। पुलिस की पूरी कार्रवाई की अगर बात की जाए, पुलिस ने कार्रवाई करने का काम कराया, हर घर के अंदर जो है जाकर के पुलिस ने पूछताछ करने का काम कराया, आसपास के कैमरे खंगालने का काम किया गया है। और पुलिस वालों का कहना है कि भाई 90% जो है पता चल चुका है कि ये मामला क्या है, लेकिन पूरी पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है पूरा मामला आखिर है क्या क्या नहीं। रात की ये घटना बताई जाने लग रही है। कल शाम की अगर बात करें तो कल देर रात तक जो है डीजे वगैरह भी यहाँ पर बजा है। आखिर पूरा मामला क्या है उसकी गुत्थी अभी तक नहीं खुल पाई है, लेकिन फिलहाल की अगर बात करी जाए पूरे गांव के अंदर एक डर भय का मतलब सारा माहौल बना हुआ है। आसपास के जो है अड़ोस पड़ोस के लोग भी जो भयभीत नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पुलिस द्वारा को यहाँ से उठा लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं जुटा पाई है पुलिस भी कि भाई आखिरकार ये मामला पूरा है क्या। दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। इस साइड से लेकर के पूरी इस बस्ती का जो है आज पुलिस द्वारा निरीक्षण करने का काम भी कराया कि भाई आखिर पूरा मामला है क्या। और घटना की अगर बात करी जाओ उस साइड आप देख सको पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, और इस साइड अगर बात करी जाओ तो सीएससी सेंटर है, सीएससी सेंटर के ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल तक उन कैमरों के अंदर कोई भी सुराग नहीं मिलने लग रहा है। और घटना जो है वो इस साइड की है, आपको मैं दिखाऊंगा एक बार। इस साइड जो बिटोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं इन बिटोड़ों के अंदर की वो घटना है, यहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया गया है कि आखिर पूरा मामला क्या है उसकी गुत्थी फिलहाल तक कोई ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, पूरी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। अभी भी फिलहाल भी जो है जांच चली हुई है, पूछताछ चली हुई है कि और कुछ व्यक्तियों को जो है शक के आधार पर यहाँ से उठाया भी गया है, शक के आधार पर कुछ व्यक्तियों को यहाँ से उठाया गया है, लेकिन फिलहाल तक इस चीज की पुष्टि नहीं कर पा रही पुलिस भी कि आखिर पूरा मामला है क्या। जैसे इसकी पूरी जानकारी आती है वो आपको बताने का काम करें। तस्वीरों में आप लगातार देखने लग रहे हो कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से जो है लगातार छानबीन कर रहा है, और जो व्यक्ति यहाँ से पाया गया है संदिग्ध हालात में उसके जो है स्नागत यानी उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है आखिरकार है कौन। काफी लोग यहाँ आए हैं, आसपास के लोग देखने के लिए भी आए हैं। गुराना गांव का व्यक्ति नहीं बताया जाने लग रहा है, व्यक्ति बाहर का बताया जाने लग रहा है। पूरी जानकारी क्या रहती है वो भी आपको बताने का काम करेंगे। नई अपडेट के साथ फिर जुड़ूंगा आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।